इन भूतों का मजा चखा कर ही रहेंगे। चुड़ैल और भूत गांव वालों से अपनी जान बचाकर चंद्रमा पर आ जाते हैं और उन दोनों साइंटिस्टों की सारी योजना बर्बाद हो जाती है। देखिए राजा जी, आज से ये सारा चंद्रमा आपका है। आप यहाँ के राजा हैं, आप जो चाहे वो करें। अरे बेवकूफ चुड़ैल, इस बंजर चंद्रमा पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। यहाँ तुम दोनों भूतों के अलावा है ही कौन? अरे यार, मैं कहाँ इन दोनों भूतों के बीच में फंस गया। अरे लल्लन भाई, वह देखो, यहाँ हर तरफ हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं। हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए? अरे मूर्ख, तू हीरों का करेगा क्या? यहाँ चंद्रमा पर ये सारे हीरे सिर्फ एक पत्थर की तरह ही है। यहाँ इन हीरों की कोई अहमियत नहीं है। हमारी जिंदगी अब झंडू बाम बन गई है। ना हम घर के रहे, ना घाट के। डॉक्टर रिचर्ड, इस लल्लन और कालिया ने मिलकर तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पक्का पता चल ही गया कि चंद्रमा पर हीरों का भंडार है। हमें दो लोगों की जरूरत होगी जो हमारा ये काम कर सके। तभी एक आदमी उस कैंप के पास से गुजर रहा होता है। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं शहर गया था अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए। अभी मेरी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है? भाई फिर तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वह क्या भाई, जल्दी बताओ। भाई, हमने एक नया विमान बनाया है और इसी खुशी में हम दो लोगों को मुफ्त में उसकी सैर करने का मौका दे रहे हैं। क्या तुम विदेश की यात्रा करना चाहोगे? अरे मामा, क्यों नहीं भाई साहब, मैं अपनी बीवी के साथ जरूर इस विमान में विदेश जाना चाहूंगा। बताइए ना, कब जा सकते हैं? भाई, तुम्हें आज रात को ही जाना होगा। ठीक है ठीक है, मैं ये खुशखबरी अभी जाकर अपनी बीवी को बताता हूँ। भाई साहब, आप मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। अरे वाह वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। मैं विदेश जाऊंगा। अरे भगवान, कहा तुम मुझे हमेशा ताने मारती थी ना कि हनीमून पर लेकर क्यों नहीं चलते। देखो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। मैं शहर से आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे 2 लोग मिले। उन्होंने एक नया विमान बनाया है और हम दोनों को उस विमान में विदेश जाने का मौका दिया है। वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे तो भाग ही खुल गए भगवान। तुम्हारे खानदान से तुम पहली लड़की होगी जो विमान में बैठकर विदेश जाएगी। अजी मेरी छोड़िए, आपके खानदान से कौन सा कोई विमान में बैठा है? आपके घर वाले तो मेरी शादी के बाद डोली भी बैलगाड़ी पर लाए थे। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी, कम से कम किराए की गाड़ी ही कर लेते, कंजूस कहेंगे। अरे तुम क्या ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई? ये सब छोड़ो और जल्दी से सामान बांध लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। फिर लीला खुशी के मारे जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लेती है और वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। लो भाई साहब, हम आ गए, अब हमें जल्दी से विमान में बैठा दो, हमसे और इंतजार नहीं होता। हाँ,
जरूर जरूर, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें विमान में चढ़ा देता हूँ। देखो भोलू, इस विमान में एक फोन भी है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हो। भाई साहब, इस विमान का ड्राइवर कहाँ है? इस विमान को उड़ाएगा कौन? तुम इसकी चिंता मत करो, ये विमान ऑटोमेटिक है, इसे किसी पायलट की जरूरत नहीं, बस तुम जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। और साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अपने कैंप में चले जाते हैं। अजी, मैंने टीवी में विमान देखा है, ये विमान की तरह नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल पगली, तूने कभी विमान देखा भी है जो बोल रही है? एक तो विमान की सैर करवा रहा हूँ, ऊपर से चिक चिक कर रही है। फिर रॉकेट के चालू होते ही बहुत तेज गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। अरे मर गई रे अजी, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए ना, ये कितनी आवाज कर रहा है और कितना कांप रहा है। अरे विमान ऐसा नहीं होता जी। अरे कुछ नहीं होगा भगवान, थोड़ा सब्र करो। अरे मर गई रे, अरे तेरा नास मिटे, ये मुझे कहाँ ले आया? मैं अच्छी भली घर में बैठी हुई थी, फोकट में विदेश घूमने के चक्कर में आज हम जरूर मरेंगे। अजी देखिए ना, ये तो ऊपर ही ऊपर उड़े जा रहा है। अरे मर गई रे। अरे भगवान, जरा नीचे तो झांक कर देखो, नीचे तो पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये तो हमें पृथ्वी से ही बाहर ले आया। अरे रॉकेट भाई, इतनी ऊपर उड़ान मत भरो, हमें नीचे नीचे ही उड़ना है। अरे मर गए रे। अजी अब ये क्या हो रहा है, हम हवा में क्यों उड़ने लग गए? अजी ये कोई हवाई जहाज नहीं है, ये तो रॉकेट है। रॉकेट, ये नास मिटा रॉकेट हमें अंतरिक्ष में ले आया है, जल्दी से कुछ करो। अरे मर गए रे भगवान, ये देखो पृथ्वी कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है। अजी पृथ्वी को छोड़कर इधर देखिए, ये तो चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अजी मुझे लगता है उन लोगों ने आपको बेवकूफ बना दिया है, ये कोई विमान नहीं है और न ही ये हमें किसी विदेश की यात्रा पर ले जाने वाला है, उन लोगों ने हमें धोखे से इस रॉकेट में चढ़ा दिया है। आप उनसे बात करने की कोशिश करो। हेलो हेलो भाई, कोई मुझे सुन रहा है क्या? हेलो हेलो, अरे कोई है? हाँ भोलू, हम तुम्हें सुन सकते हैं, बताओ तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना वहाँ पर? भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है, आपका विमान हमें गलती से उड़ाकर अंतरिक्ष में ले आया है, हम चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुँच गए हैं, आप कुछ कीजिए, इस विमान की दिशा नीचे की तरफ करिए। देखो भोलू, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी, हम दोनों साइंटिस्ट हैं और ये कोई विमान नहीं है और ना ही ये कोई विदेश यात्रा है, हमने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए चंद्रमा पर भेजा है, अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तभी ये रॉकेट वापस धरती पर आएगा। मर गई रे, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, भला जो इंसान शादी के बाद अपनी डोली बैलगाड़ी पे लाया हो वह मुझे विदेश यात्रा कहाँ से करवाएगा। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इनकी बातों में आ गई। बड़े आए ये हनीमून पर ले जाने वाले, लो अब मना लो हनीमून चंद्रमा पर। अरे साइंटिस्टो तुम्हारा नास मिटे, तुम्हें हम ही मिले थे क्या? साइंटिस्ट भाई कृपा करके इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला लो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। साइंटिस्ट भाई भला तुम्हें हमें चंद्रमा पर भेजकर क्या हासिल होगा? देखो भोलू, वहाँ चंद्रमा पर हीरो का ढेर लगा हुआ है, बस तुम्हें ऑक्सीजन हेलमेट पहनकर चंद्रमा पर उतरना है और सारे हीरे बटोर कर वापस रॉकेट में बैठ जाना है, फिर हम तुम्हें वापस धरती पर बुला लेंगे। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर उतर जाता है, रॉकेट की आवाज सुनकर वह तीनों भूत उठ जाते हैं।
देखो भगवान, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इन साइंटिस्टों का काम करना ही होगा, नहीं तो ये इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। अजी रोना छोड़िए, आपने सुना नहीं क्या, वह साइंटिस्ट हीरो के ढेर की बात कर रहे थे। कुछ हीरे हम अपने लिए छुपा लेंगे जिससे हम माला माल हो जाएंगे। अजी जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलिए। अरे लल्लन भाई जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई रॉकेट चंद्रमा पर उतरा है। फिर लल्लन और कालिया वहाँ पहुँच जाते हैं। रॉकेट को वहाँ देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर भोला रॉकेट की खिड़की से झांककर बाहर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, आज इतने महीनों के बाद कोई इंसान यहाँ आया है, आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गए रे, भगवान इधर देखो जल्दी, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं, अब क्या करें? तुम यहीं रुको, मैं भी साइंटिस्ट को इसके बारे में बताता हूँ। हेलो हेलो साइंटिस्ट भाई, बहुत बुरी खबर है, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं। ये तुमने हमें कहाँ भेज दिया? हाँ भोलू, हम उन भूतों के बारे में पहले से जानते हैं, तुम्हें उनसे बचते हुए वह हीरे वहाँ से लाने होंगे। लेकिन साइंटिस्ट भाई, उन भूतों के वहाँ रहते हम बाहर कैसे जाएं? ये सब हम नहीं जानते, कुछ भी करो बस वह हीरे हमें ला कर दो। तभी कालिया रॉकेट के अंदर झांक कर देखता है और लीला को देखकर हैरान रह जाता है। अरे लल्लन भाई, अंदर तो एक औरत भी है। अरे वाह वाह, मैं कब से खुद को अकेला महसूस कर रहा था, अब मुझे भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अरे आओ ना मेरी राम प्यारी, जरा बाहर तो आओ, जल्दी आओ ना। अरे मर गई रे, ये तो मुझे अपनी राम प्यारी समझ रहा है। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। अरे मर गए रे, यहाँ तो तीन तीन भूत है, भगवान अब हम क्या करें? हमारे बाहर निकलते ही ये हम दोनों को कच्चा खा जाएंगे। अरे मर कह रहे, विदेश यात्रा का लालच तो महंगा पड़ गया रे। अरे ललन भाई, मुझे लगता है इन साइंटिस्टों ने इन्हें भी हमारी तरह धोखे से यहाँ भेज दिया है। भूत जी हमें कुछ हीरे लेने दीजिए ना, ये तो हीरो का भंडार है, थोड़े से हीरे हमें लेने दो ना। क्या तुम्हें भी उन साइंटिस्टों ने यहाँ धोखे से भेजा है? हाँ भूत जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उन साइंटिस्टों को कैसे जानते हो? हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे, उन साइंटिस्टों ने हमें भी धोखे से यहाँ भेज दिया था इन हीरो की लालच की वजह से। मुझे पता है अगर तुम्हें हीरे नहीं मिले तो वह इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है इन साइंटिस्टों को सबक सिखाने के लिए। फिर कालिया और लल्लन उनको हीरो से भरा थैला दे देते हैं। भूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें याद तो है ना तुम्हें धरती पर पहुंचकर क्या करना है? हाँ कालिया भाई, मुझे पता है, हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। फिर वह दोनों साइंटिस्ट को हीरे दिखाते हैं। हीरे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह रॉकेट को वापस धरती पर बुला लेते हैं। फिर कुछ ही देर में रॉकेट धरती पर पहुंच जाता है। वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, लाओ हमारे हीरे लाओ। भाई साहब आपके हीरे अंदर पड़े हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है, आप खुद ही ले लो। और वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट के अंदर घुस जाते हैं। उन हीरो को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस बहुत हो गया, तुमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर भोला रॉकेट को उड़ाने वाला बटन दबा देता है और रॉकेट फिर से चंद्रमा की तरफ उड़ जाता है। अरे मर गए रे, डॉक्टर रिचर्ड लगता है किसी ने इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया है, मर गए रे, अब क्या करें? ये रॉकेट तो हमें चंद्रमा पर ले जा रहा है, वह भूत हमारा बेसब्री से वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, अब हमारा क्या होगा? फिर कुछ ही देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच जाता है।
अरे मर गए रे, ये भूत तो यहीं बाहर ही खड़े हुए हैं। अब क्या होगा? आ साइंटिस्ट आओ, चंद्रमा पर तुम्हारा स्वागत है। अगर आप इसका अगला भाग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।